सब्सक्राइब कीजिए ऑनलाइन अहमद अली चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। ऑनलाइन अहमद अली में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यूट्यूब का अल्गोरिथम 2019 का चेंज हो रहा है और यूट्यूब ने क्या क्या चीज़ें चेंज करनी है वो चलते हैं, और लैपटॉप की स्क्रीन पर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें चेंज करनी है यूट्यूब ने, और अल्गोरिथम में क्या क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं, और क्या न्यू ऑप्शन आ चुके हैं आपके यूट्यूब के अंदर, अब आपकी अर्निंग बढ़ सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर आ गया हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को चलता हूँ चैनल की तरफ लेकर, और मैं दिखाता हूँ आपको ऑनलाइन अहमद अली, ठीक है। जस्ट लाइक मैंने एक यहाँ पर टाइटल लिखा, और टाइटल के अंदर ये देख सकते हैं आपको कुछ वीडियोज़ आ गई हैं मेरी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर होता ये है कि सिंपल आपका जो है जो यूट्यूब कह रहा है कि उसने पहला ऑप्शन जो रखा है वो रखा है आपका टाइटल, ठीक है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन और आपका थंबनेल। तीन चीज़ें आपकी बेहतरीन होनी चाहिए, ये यूट्यूब का कहना है। असल में बेसिकली क्या है कि यूट्यूब के अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर जहाँ पर एकेडमी है, उसकी क्रिएटर एकेडमी है, वहाँ पर जो है यूट्यूब सारी चीज़ें बता रहा होता है, हम लोग नहीं देख पाते, लेकिन आप लोग देख सकते हैं उसको क्रिएटर एकेडमी में जाके। अब मैं चलता हूँ कि तीन चीज़ें तो पहले आप लोगों ने अपनी वो सही करनी है, पहला टाइटल, दूसरा डिस्क्रिप्शन और तीसरा थंबनेल। अगर आपको टैग्स चाहिए तो टैग्स के लिए मैं आप लोगों को ये साइट पहले भी बता चुका हूँ कि आप टैग्स के लिए ये वाली साइट यूज़ करें। अगर आपका फॉर एग्जाम्पल कोई हाउ टू मैक थंबनेल्स, ठीक है, थंबनेल्स की स्पेलिंग गलत हो गई है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपके आपको टैग्स चाहिए तो आपको बने बनाए सिंपल सारे टैग्स आपको यहाँ मिल जाते हैं, सिर्फ आपने जस्ट कॉपी करना होता है। आपकी वेबसाइट का नाम है rapidtags.io, इससे आपने कॉपी करना है, सिंपल जाके आपने पेस्ट कर देना है जहाँ पर भी टैग आपने पेस्ट करने हैं, ठीक है। यहाँ तक तो आपको बात समझ आ गई होगी। आपने टाइटल लिखना है, डिस्क्रिप्शन लिखनी है, और आपने टैग यहाँ से कॉपी कर लेने हैं, और उसके बाद आपने क्या करना है कि अपना थंबनेल बेहतरीन तरीके से बनाना है, जो कि पसंद आए, लोगों को अच्छा लगे, जिसमें आपकी पिक्चर हो, आपकी अपनी पर्सनल पिक्चर होगी तो असल में वो इफेक्टिव होगी, पहली। दूसरी चीज़ चलते हैं हम एनालिटिक के अंदर। YouTube ने यहाँ पर एक न्यू फीचर लॉन्च किया है जो कि CTR कहलाता है। अब CTR क्या चीज़ है ये देखें, CTR फुल फॉर्म, ठीक है। अब मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि वो ऑप्शन ये रहा, इम्प्रेशन एंड CTR ट्राई स्टूडियो बीटा। अब यहाँ पर उन्होंने एक नया ऑप्शन डाला है, इम्प्रेशन एंड CTR ट्राई स्टूडियो बीटा। इसके अंदर क्या होता है कि आप लोगों के CTR के थ्रू पेमेंट आपको मिलेगी। अब पहले क्या होता था कि पैसे जो मिलते थे वो डायरेक्टली व्यूज़ के ऊपर मिलते थे, लेकिन अब CTR के थ्रू भी मिलेंगे। अब CTR की जो फुल फॉर्म है देखने, क्लिक थ्रू रेट, ये पहले ऑप्शन नहीं था। अब ये गूगल एडवर्टाइज़र ने क्या किया, एडसेंस वालों ने इनको, हो सकता है इनकी कोई टारगेट और कम्युनिकेशन हो और उन्होंने बोला हो कि जो आप CTR का ऑप्शन भी ऐड करें। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी व्यूज़ शो हो रहे हैं CTR के थ्रू, रिच व्यू, ओवर व्यू, अगर मैं दिखाता हूँ आपको अपने साइट की जो चल रहा है, अब देख सकते हैं यहाँ पर ये इसका ओवर व्यू है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये व्यूज़ दिखा रहा है कि अपडेट हो रहे हैं, और ये हमारे को जाना है रिच व्यूज़ के अंदर, और यहाँ पर CTR का हमने देखना है कि किस तरह से हमें CTR गेट कर रहे हैं। ये देखें इम्प्रेशन कितना मिला है व्यूज़ का, और यहाँ पर व्यूज़ इम्प्रेशन, ये इम्प्रेशन, और ये वॉच टाइम इम्प्रेशन कितना मिला है, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को बता रहा है कि गूगल सर्च से जो लोगों ने गूगल में सर्च किया उसमें आपकी वीडियो कितनी रैंक हुई है, ये एंड्रॉयड मोबाइल्स में कितनी खुली है, गूगल पर कितनी है, व्हाट्सएप पर कितनी शेयर की गई है। उसके बाद है ट्रैफिक सोर्स, उसके बाद ट्रैफिक कहाँ, मतलब जो आपकी जो व्यूज़ है वो कहाँ से आए, ज़्यादा सबसे ज़्यादा वीडियोज़ कौन सी वीडियो पर आए, सबसे पहले विंडोज 7 प्रोडक्ट की पे आए, MS वर्ड पे आए, इस तरह से सारे हैं। ट्रैफिक सजेशन, जस्ट लाइक अगर कोई बंदा टाइट लिखता है कहीं और कोई और चीज़ लिखता है और क्लिक आखिर चीज़ आपकी इस वीडियो पर कर लेते हैं, जस्ट लाइक मैंने यहाँ पर, मैं एक YouTube लिखता हूँ अपना, YouTube लिखा और मैंने यहाँ पर सर्च किया जस्ट लाइक हाउ टू, या फिर मैं अपना टाइटल ही लिख देता हूँ इसके ऊपर, ये MS वर्ड कंप्लीट कोर्स, ठीक है, MS कंप्लीट कोर्स, ठीक है। अब मेरे ख्याल से मुझे लिखना पड़ेगा इसमें 2016 भी मेरे ख्याल से, लेकिन देखता हूँ आता ही नहीं आता,
अगर मैं नाम भी डाल देता हूँ मे भी पॉसिबल है टॉप पे आ जाए। देखिए ये अब मेरा कोर्स आ गया जस्ट लाइक। अब कोर्स आने के बाद अगर मैंने जो है ऑनलाइन नहीं लिखता, मैं देखूँ जरा कोर्स आता है, अगर मैं ऑनलाइन नहीं लिखता सिंपल में कीवर्ड लिखता हूँ एमएस वर्ड कंप्लीट कोर्स, मैंने किसी का नाम मेंशन नहीं किया यहाँ पर, अगर यूट्यूब ने आपकी वीडियो को टॉप पर दे दिया तो वेल एंड गुड, नहीं दिया अगर आपने किसी और पर क्लिक कर दिया तो आपने तो कोर्स चाहिए था आपको, आप सिंपल कोर्स ले रहे हैं तो कोर्स आप ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ट्रैफिक सोर्स सजेशन वीडियो है, आपने जैसे लाइक ये क्लिक किया आपने एक वीडियो को, मैंने इस पर क्लिक किए 2 घंटे का कोई कोर्स है, क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो सजेशन में वीडियो आ रही होती है, मैंने यहाँ पर आके जो क्लिक करेंगे वो वीडियो जो व्यू होगा उसका जो इंप्रेशन होगा वो इस एरिया में आएगा, एमएस वर्ड ट्यूटोरियल विंडोज 7 सारे आम। अब ये देखिए किसी ने ये कीवर्ड लिखा और मेरी वीडियो को क्लिक किया उसने, इस तरह से जो है ना वर्डप्रेस कंप्लीट कोर्स ट्रैफिक प्लेलिस्ट। अब किसी ने प्लेलिस्ट में जाकर जो है यहाँ पर आप लिखा उन्होंने और उसके बाद जो है प्लेलिस्ट से ये वीडियो प्ले की गई है, तो ये सारा जो है चक्कर सीटीआर का है, सीटीआर से जो है अब ये लिखा हुआ है इंप्रेशन क्लिक थ्रो रेट सारा सीटीआर से बता रहा है कि इस पे इतनी इतने परसेंटेज सारी दिखा रहा है। तो एक न्यू फीचर है, न्यू ऑप्शन लॉन्च किया गया है, सोचा मैंने आप लोगों को क्यों ना बताया जाए। तो मज़ीद इस किस्म की वीडियो जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, तो मिलते हैं कल की एक नई वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।